औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल दरिया समंदर डूंगे कौन दिना दियाँ जाने हु, विचे बेड़े विचे जेड़े विचे वंज मुहाने हु, 14 तबक दिलें दे अंदर तंबू वांगो ताने हु, दिल दा महरम होवे या हज़रत बाहू सोए रब पछाड़े हो। इसका मफहूम कुछ यूँ है कि दिल दरियाओं और समुंदरों की तरह गहरे होते हैं और अंदर ही कश्तियों और बेड़े जहाज और हंगामे और अंदर ही चप्पू और अंदर ही मलाह जो कि बेड़ियाँ कश्ती को चलाता है। बाहू बस जो दिल का महरम होगा, कि याद रख बाहू जो दिल का महरम होगा वही रब को पहचानेगा, वही अपने खुदा को पहचानेगा। और इसकी तशरीह डॉक्टर नज़ीर अहमद मरहूम साहब ने कुछ इस तरह की कि इस बंद की बहुत तारीफ़ की है, बल्कि फरमाया इंसानी दिलों की वसत गहराई और बुलंदी के मुतलक इतने ज़ोरदार और असर अंगेज़ मिसरे सारे पंजाबी लिटरेचर में कहीं और ना होंगे। लिहाजा दिल की गहराई समंदरों से ज़्यादा समझो, एक हंगामा इसके अंदर रहता है, सफ़र खिज़र की सारी मंजिलें, सफ़र खिज़र की सारी मंजिलें और इनके सारे असबाब मौजूद हैं। सुल्तान साहब ने दूसरे मिसरा में बहरी सफ़र के नवाजमात की तरफ इशारा के सलूक के मराहल को बयान फरमाया है। चौथे मिसरे में फरमाया कि दिल के अंदर पूरी कायनात समाई हुई है, 14 तबक खैमे की तरह अंदर तने हुए हैं, जब फर्द की ज़ात मरकज से फैल कर वसत इख्तियार करती है तो फिर कायनात 14 तबक भी इसके लिए महदूद मुख्तसर हो जाती है। लेकिन इस वसत को पाने के लिए दिल को समंदर की यथागराइयों में उतरना पड़ता है। दिल का महरम होने से दिल की सारी कुव्वतों सलाहियतों कमालात और करामात से वाकिफ होना मुराद है। इससे आगे बढ़कर सोचें, इस दिल का महरम होने से अपनी पैदाइश के मकसद और इसके शऊर के मानी निकल आएँ। जिस तालब हक की समझ में ये बातें आ जाती हैं वही रब को पहचान पाता है। सुल्तान साहब हजरत सगी सुल्तान बाहू ने इस मिसरा में मन अरफा नफसा फ़कत अरफा रबी ही का हूबहू तर्जमा फरमा दिया। इस बैत को पढ़ने और सुनते हुए कारी या सामिया दिल दरिया समंदरों डूंगे से वाकफ होकर सुई दिल दा महरम की तालीम को खुद ब खुद पहचान लेता है। सुल्तान साहब के अभ्यात में यह सिफत बदरजा इतम पाई जाती है कि रब से मनकती अंदाज में सोचने वाले नहीं पा सकते, वाजदानी बल्कि फितरी अंदाज में सोचने और महसूस करने वाले लोग बआसानी पा लेते हैं। और यहाँ तो खैर रब का मामला बहुत वाज़ह है, जिसे दिलो दिमाग दोनों महसूस करते हैं और मफहूम पा लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।